भाई कोई भी अच्छा बेस कैसे बनाएं थोड़ा सा हैवी हो थोड़ा सा अच्छा लगे शादी में जब जाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बेस जो है ना वो हटे ना ठीक है मतलब काफ़ी स्टे करे ऐसा बेस बनाने का तरीका मुझे बता दें ठीक है जी सो हम आपको ऐसा बेस बनाने का तरीका बता देते हैं आपने ये दो चार स्टेप्स फॉलो करने हैं सबसे पहले तो आपने अपने फेस को कर लेना है वॉश कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है ठीक है जी कोई भी चीज़ अप्लाई ना करने के बाद मॉइस्चराइजर अगर आपकी स्किन है ड्राई मॉइस्चराइजर लगाना है आधा एक घंटा पहले उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या करना है आपने टीवी पेन स्टिक ली है जिस भी लड़की की भैया शादी हुई है उसको पता होगा कि जब वो गई होगी दुल्हन बनने के लिए तो वो बोलते हैं स्पेशली मैं जैसे गई थी काशी ब्यूटी सलॉन तो उन्होंने मुझे बोला था कि बहन जाओ और जाके अपना सोप से फेस वॉश करके आओ अच्छे से ऐसे कि जैसे आपको यू you नो know, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है आपने ताकि आपकी स्टिक जो आप लगा मुझे बाद में पता चला ताकि जो आप स्टिक लगाते हो वो आपकी स्किन में इस तरह से रच बस जाए कि आपका मेकअप इधर से उधर हिल ना सके ठीक है जी सो हम लोग जो है वो सेमी हैवी बना रहे हैं ब्राइडल मेकअप तो कर नहीं रहे लेकिन ऐसा हैवी मेकअप जो है वो हम ऐसा बेस बना रहे हैंवी कि जिससे जो है वो आपको यू you नो know, कोई भी आप मेकअप करते हो तो एक अच्छा लुक आए सबसे पहले हमने लगा ली स्टिक स्टिक्रलोन की स्टिक मैंने लगाई है नंबर है इसका एफ़ फाइव ठीक है जी इसका है फोर्टी फाइव नंबर एफ एस ठीक है आपने स्टिक कोई भी लगा लेनी है जो भी आपके पास अवेलेबल होगी आप वो लगा लो मैं नहीं यूज़ करती हूँ मेरे पास सारे ब्रशेज़ हैं स्टिक को लगाने के लिए करने के लिए लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो होते हैं आपके फिंगर्स अगर आप अपनी उंगलियों की मदद से इस्तेमाल करते हो उंगलियों का इस्तेमाल करते हो मेकअप करते हुए तो आपका बेस आपकी सारी ब्लेंडिंग, श्लेंडिंग सब बहुत अच्छे से होती है यार आपने नेक को बिल्कुल भी भूलना नहीं है मैं इस वक्त इसीलिए मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा ज़ाया ना हो मुझे सिर्फ आप लोगों को करके है आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड तो इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कोई और चीज़ ठीक है जी मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रही अगर मैं नेक पे लगाने बैठ गई ना मेरा ये स्ट्रिक तो फिर हो गया काम क्योंकि अभी सुना ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया जब मैंने लिया था साढ़े तीन चार हज़ार का था ये स्ट्रिक अभी पता नहीं कितने का है अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताना कॉमेंट्स में ठीक है जी तो सबसे पहले हमने अपनी स्टिक लगा लेनी है इस तरह से ठीक है ये मैं आपको बता रही हूँ ऐसा बेस जो कि लॉन्ग टाइम चलेगा अच्छा चलेगा स्टिक लगा ली नज़र आ रही है स्टिक लगाने के बाद आपने जल्दी से क्या करना है आपने कोई भी जो भी आपके पास बेस पड़ा हुआ हो मेरे पास इंडियन बेस है आप कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हो तो इस स्टिक के ऊपर आपने दो तीन मिनट स्टिक को छोड़ देना है आपने इस तरह से बेस इस्तेमाल करना है ये आपको हैवी बेस के बारे में बता रही हूँ मैं किस तरह से आपने हैवी बेस बनाना है ऐसा बेस कि जो लॉन्ग टर्म के लिए चले जो कि अच्छा हो जो कि ऐसा हो कि लोग पूछें कि आपकी स्किन कैसी है अगर आपकी स्किन पे एक्नी है पैचेस हैं डार्क पैचेस हैं तो ये बेस आपके लिए है क्योंकि ये आपकी सारी चीज़ों को दो मिनट में छुपा देता है जब आप स्टिक लगाती हो तो मेरी ब्लैमिशेज डार्क स्पॉट्स अन स्किन टोन सब कुछ छुप चुकी है और उसके बाद फिर आप देखो हमने जल्दी से ये लगा लेना है ठीक है मैं जल्दी जल्दी से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके बाद आपने क्या करना है देख रहे हो कितनी अच्छी सी लेयर बन गई है मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं ये देखो ये देखो कैसी खुरदुरी सी अजीब सी स्किन हो रही है ऐसे ही हमारी फेस की भी हो रही है आजकल और अभी आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी हो रही है इट्स नॉट अ फिल्टर गाइस इट्स अ नेचुरल कैमरा जो मेरे फ़ोन का है ठीक है ठीक है इस तरह से आपने क्या करा स्टिक लगा ली स्टिक लगाने के बाद आपने इंडियन बेस लगा लिया कोई भी बेस आपके पास पड़ा हुआ था वो आपने लगा लिया दो मिनट में आपका मेकअप हो गया आपका बेस बन गया बेस आपका बनने के बाद आपने क्या करना है अगर चाहे आपकी स्किन ड्राई है तो आपने किस किस एरिया में लगाना है मैं आपको बता देती हूँ ड्राई स्किन है तो अवॉइड भी कर सकते हो आप पाउडर लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आपने क्या करना है तो आपने अच्छे से कोई भी पाउडर लेना है मैं इट्यूट का इस्तेमाल कर रही हूँ आपने अच्छे से पूरे फेस पे इस तरह से पाउडर अप्लाई कर देना है सिंपल सी बात है भैया ये मेकअप हम कोई भी प्रोफेशनल नहीं है मुझे मेकअप करना ये सब करना बहुत पसंद है बहुत ज्यादा नहीं आता ये उन लड़कियों के लिए है जो घर बैठे मुझसे पूछ रही हैं देख रही हैं आप लोग मिलते हो तो भी बोलते हो कमेंट्स में भी ये उन लड़कियों के मेरे जैसी लड़कियों, लड़कियों के लिए ये देखो जबरदस्त सा बेस तैयार हो गया अब क्या करना है हमने अब हमने इसके ऊपर आईब्रोज बनानी है भैया लिपस्टिक लगानी है ब्लश ऑन लगाना है एंड यू रेडी टू गो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो आपका बेस जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा जो कि मैं गारंटी देती हूँ कोई मुंह पे पानी भी मार देगा ना तो हटेगा नहीं दुआ में याद रखना है आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ताकि आपको सारे लेटेस्ट व्लॉग मिल जाए यूट्यूब पे फॉलो करो उरूज स्माइल के नाम से चैनल है सब्सक्राइब कर लो सारी वीडियोस वहाँ पर है अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा टाटा टाटा